असलम स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स जो आज हमारे पास टॉपिक है वो बेटा हमारे पास मेडिकल प्रॉब्लम्स थे, लेकिन बेटा कल मैंने आपको फर्स्ट फोर मेडिकल प्रॉब्लम सॉल्व कर लिए थे, लेकिन कुछ बच्चे कह रहे हैं कि उनको 5.4 5.3 समझ नहीं आया। बेटा मैं दोबारा से 5.3 पहले रिपीट करवा रहा हूँ और फिर 5.4 रिपीट करवाऊंगा, ठीक है? तो बेटा देखें आप इसको, बेटा 5.3 में आप देखें ना क्या कह रहे हैं इसमें, कह रहे हैं फाइंड द एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वी हैव टू फाइंड एक्सीलरेशन। बेटा हमने स्मॉल जी फाइंड करना है उन सरफेस ऑफ मार्स के, मार्स पर बेटा वैल्यू ऑफ जी हमारे पास क्या होगी। आपके पास मास भी गिवन है मार्स का और रेडियस भी गिवन है, आपके पास दोनों गिवन है बेटा हमारे पास। पता है आपको जो है ना मास ऑफ मार्स वो गिवन है बेटा हमारे पास 6.42 10^23 केजी। बेटा गिवन है हमारे पास मास गिवन है और रेडियस बेटा आपके पास गिवन है 3370 किलोमीटर। ये बेटा ये हो गया 3370 × 1000 मीटर आ गया। बेटा ये हमारे पास आ गया 3.37 × 10^8 मीटर हमारे पास आ गया। अब बेटा असल में आपने मालूम करना है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जी मालूम करना है। तो बेटा आपने बताया था फॉर्मूला क्या होता है, जी एम आपके पास होता है जी एम ई ओवर आर का स्क्वायर। बेटा यहाँ पे हमने जी की वैल्यू पुट की है, मास की वैल्यू पुट किया और डिवाइड किया रेडियस से। बट पहले हमने उनको ऊपर उनको मल्टीप्लाई आपस में, तो बेटा ये हमारे पास ऊपर वाला ये मल्टीप्लाई किया नीचे के किया स्क्वायर, तो बेटा ये आंसर आ गया। बेटा जब हम ऊपर मल्टीप्लाई किया तो ये आया, इनको दोनों को डिवाइड किया हमारे पास 3.77 मीटर पर सेकंड स्क्वायर यहाँ पे आएगा। ये बेटा हमारे पास जो है ना 5.3 का आंसर आ गया। यस बेटा अब्दुल रहमान आपकी आवाज कट रही है। ओके ओके बेटा जो 5.4 मेडिकल है, बेटा 5.4 में कह रहे हैं एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। बेटा जो है ना वैल्यू ऑफ जी जो है ना स्मॉल जी, बेटा स्मॉल जी की वैल्यू आपके पास दी हुई है 1.62, ठीक है? तो बेटा हमारे पास स्मॉल जी दिया हुआ है 1.62 और रेडियस दिया है बेटा आपके पास मून का 1740 किलोमीटर। वो कह रहे हैं फाइंड करो आप मास ऑफ द मून, कि बताओ आपके पास क्या होगा मास ऑफ मून आपके पास क्या होगा। तो बेटा कल मैंने बताया भी था आपको कि आपके पास जैसे आपने किया ना फाइंड अर्थ का मास, आपको पता था आपको अर्थ का रेडियस मालूम था, अर्थ का आपको मास मालूम था, तो आपने अर्थ का जो है वो अर्थ का रेडियस मालूम था आपको, अर्थ का जो है ना कहते हैं उसको जी मालूम थी स्मॉल जी ग्रेविटेशन एक्सीलरेशन, तो आपने जो है अर्थ का मास मालूम कर लिया था। बेटा सिमिलरली जहां पे ना जैसे कि था मालूम आपने अर्थ का मास, बेटा वही फार्मूला हम यूज करेंगे मास ऑफ मून के लिए भी। तो एम एम बेटा एम एम मतलब मास ऑफ मून हमारे पास है, ये है जी एम इंटू आर का उसके डिवाइडेड बाई कैपिटल जी। ये हमने जी ऑफ एम बेटा पुट किया 1.62, रेडियस पुट किया 1.74 10^6 का होल स्केल डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ जी जो होता है आपके पास कांस्टेंट, वो हमने पुट किया है। बेटा पहले ऊपर का हमने किया स्केयर, ये हमारे पास आगे उसको मल्टीप्लाई किया 1.62 के साथ, बेटा हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी और डिवाइड किया उसको 6.67 के साथ, बेटा ये हमारे पास मास आ गया है 7.35 10^22 केजी। तो बेटा ये हमने पहले चार मैगर कल भी हमने सॉल्व कर लिए थे, आज आपने बोला कि दोबारा रिपीट करवाओ, बेटा मैंने आपको मैगर रिपीट करवा दिए। अब बेटा यस बेटा किसने हैंड रेस किया? यस अब्दुल रहमान हैंड रेस किया, कब का ये बात आपने बेटा हैंड रेस किया, क्या बात है? सर जी मैं कह रहा था 5.2 के एंड से पुटिंग वाली यूज करते हैं, वहां से जाके नहीं हो रहा था, मैंने प्रैक्टिस करने की कोशिश की। 5.2 यस सर एंड प्रेस सर नहीं आ रहा समझ। ओके बेटा ओके बेटा 5.2 में ना बेटा 5.2 में देखो असल में बेटा हमारे पास जो ना ग्रेविटेशन फोर्स है नीचे से देखे ना नीचे पुटिंग वैल्यूज यहां पे ये मैंने बात सुने। अब यहां में फार्मूला हमारे पास है ना आपको नजर आ रहा ना फार्मूला होता है f g m1 m2 / d का स्क्वायर। अब इस केस में असल में m1 और m2 आपस में क्या इक्वल है, तो हमने m1 m2 / कर लिया किसी m के, जहां पे था ना m1 वहीं पुट कर लिया हमने m के, यहाँ पे m2 था वहां भी पुट कर लिया हमने m पुट कर लिया, यहाँ पे हो गया आप g * m का स्क्वायर। बेटा यहाँ पे सिर्फ g भी आएगा, g भी कर गए यहाँ f आ जाएगा g m का स्क्वायर d2 आ जाएगा और डिस्टेंस जो आ जाएगा बिटवीन देम देम। अब सर बेटा हमारे पास जो है मालूम है ना मास का स्क्वायर, ये डी वहाँ मल्टीप्लाई होगा जो है ना हमारे पास जी का होगा या डिवाइड होगा, ये फॉर्मूला आ गया मास का f * d स्क्वायर डिवाइडेड बाय कैपिटल जी। अब वैल्यू पुट की एफ की भी डी की भी और जी की भी, मल्टीप्लाई किया
यहाँ पे एम आ गया 10 पावर 4, ये 10,000 kg। अब दोनों का मैथ सेम था तो दोनों वापस आ जाएंगे 10,000 kg, दोनों का मैथ आ जाएगा। ओके बेटा अब क्लियर हो गया? कल आपने कई और पीडीएफ सेंड की थी ना, हाँ वहाँ पे तो किसी और तरीके से हुआ है। और पीडीएफ सेंड की थी बेटा, वो आज जो ना वो फाइल मिसअप हो गई है, इससे बड़े मैंने नई मैंने बनाई है आपके लिए। ठीक है तो ये भी सेंड कर देना, फिर यहाँ से देख लूंगा। बेटा ये भी सेंड कर दूंगा मैं आपको, इसका मैं लिंक देखूंगा। वैसे बेटा मुश्किल लिंक मिला है इसका, तो आप बेटा वही जो हुए ना वही आप वहीं से कर लो नोट आप। ठीक है आप वही नोट कर लेना, वो भी सही हुए साइड मेरी तरफ से। ठीक है अब ये 5.5 देखें आप लोग, 5.5 में कह रहे हैं कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ जी। बेटा आपने यहाँ पे वैल्यू ऑफ जी मालूम करनी है, और हाइट क्या दी हुई है 36 डबल किलोमीटर। बेटा आप बस हाइट दी हुई है अबव द सर्विस ऑफ द अर्थ, मतलब अर्थ के सर्विस से अबव हमारे पास हाइट दी हुई है एच जी वन। हमारे पास वी हैव टू फाइंड वैल्यू ऑफ जी, बेटा स्मॉल जी मालूम करना है हमने, और मैथ सब अर्थ पता आपको क्या होता है, इसकी वैल्यू कॉन्स्टेंट है 6 10 पावर 24 होता है। अब आपको पता था फॉर्मूला जो ना जी एच का फॉर्मूला क्या होता है, हमने मालूम करना है जी किसी हाइट पे, जी एच आपके पास होता है जी एम ई डिवाइडेड बाई आर प्लस एच का होल स्केयर। तो जी को बड़े वैल्यू जी भी पुट किया हमने, पता है आपको मैथ पार्ट बेटा मालूम है, आपको पुट किया डिवाइड बाई आर प्लस ये एच किया हमने। बेटा पहले हम मालूम करेंगे प्लस आपस में, जब प्लस बेटा हमारे पास ये चीज आ गई है फिर बेटा हम करेंगे इसका होल स्केयर करेंगे फिर हम लोग इसका। ठीक है जब मैंने कह बेटा इसका हमने होल स्केयर बेटा ये चीज आ गई है, अब बेटा हमने इसको पहले डिवाइड किया फिर मल्टीप्लाई किया, बेटा हमारे पास ऑलमोस्ट 4 मीटर पर सेकंड आपस क्या आ गई है वैल्यू ऑफ जी आ गई है। बेटा 5.5 सबको क्लियर है? अगर नहीं है बेटा अपना हैंड रेज करें आप लोग, इस बच्चे को 5.5 क्लियर है? क्लियर बेटा किसी बच्चे को 5.5 समझ नहीं आया तो अपना हैंड रेज करें। यस मोहम्मद अजम से ज्यादा अपना हैंड रेज किया सर, रिपीट करें एक दफे। ओके बेटा जो है ना 5.5 मेडिकल बेटा, इसमें अगर आप देखें ना तो कह रहे हैं कि आप कैलकुलेट करो वैल्यू ऑफ जी एट ए हाइट, मतलब हमने जी एच फाइंड करना है, वैल्यू ऑफ जी मालूम करना है किसी हाइट पे जाके। ठीक है और जो है ना बेटा हमारे पास अब हमने हाइट गिवन है, हाइट क्या है 3600। ठीक है हाइट गिवन है 3600 किलोमीटर, 3600 किलो मतलब होता है 1000 मीटर, बेटा ये हमें हो जाएगा 3.6 × 10⁻⁶ मीटर। बेटा हमारे पास ये हाइट आ गई हमारे पास। ठीक है बेटा असल में हमने मालूम करना है मैस ऑफ द अर्थ गिवन है बेटा हमारे पास, वो है 6 10 पावर 24 kg दिया बेटा हमारे पास, और ग्रेविटेशन जिसमें बेटा हमें मालूम करना है जी एच मालूम करना है, और जी फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास जो होता है जी एम ई डिवाइडेड बाई आर प्लस एच का होल स्केयर, ये होता है फॉर्मूला हमारे पास। अब वैल्यू ऑफ जी बेटा मालूम हमें होती है 6.673 × −11, मैस ऑफ अर्थ बेटा गिवन है 6 10 पावर 24, और आर की बड़ी बड़ी पुट की है और हमने प्लस किया इसमें एच, मतलब प्लस मतलब प्लस कर लिया 6.4 + 3.6 यानी कि 10 आ जाएगा हमारे पास। फिर वो 6 आ गया, इसका होल स्केयर किया तो ये बड़ी चीज आ गई है, दोनों को डिवाइड किया एंड देन मल्टीप्लाई किया हमने इसको इसके साथ, तो बेटा ये हमारे पास जो है ना वैल्यू ऑफ जी आ गई है। ओके अब बेटा हम करते हैं 5.6 वाला न्यूमेरिकल। बेटा 5.6 कहना रीड आप लोग कहना, इससे बेटा कह रहे हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ जी, अगेन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ जी ड्यू टू द अर्थ। बेटा अब हमने वैल्यू ऑफ जी मालूम करनी है अर्थ के ऊपर, बट जो लास्ट में मेडिकल था उसमें कह रहे थे अब मालूम करो वैल्यू ऑफ जी एट ए हाइट पे, जब हाइट पे कहा जाए तो आपने एच फिट करना होता है, जी एच मालूम करनी होती है, और जब बेटा कहा जाए कि आप तो मालूम करो अर्थ के ऊपर जस्ट वी हैव टू फाइंड जी। ठीक है और ये जिस बेटा गिवन है हमारे पास हम 487, बेटा हमारे पास गिवन है हमारे पास 487 × 10⁻⁶ जो ना हमारे पास बेटा जो ना 487 × 10³ बेटा वापस आ गया, ये बेटा वापस आ गया रेडियस आ गया। अब हमने मालूम करनी है ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन, हमें जी मालूम करना है, तो जी वापस क्या होता है जी एम बी ओवर आर का स्केयर, जी की वैल्यू पुट की है मैस अर्थ पुट की है डिवाइड बाई रेडियस पुट की है, जब उसको सॉल्व किया तो बेटा हमारे पास 0.17 आ गया, तो बेटा 5.6 भी हो गया। अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम बेटा अपना हैंड रेज करें 5.6 में और 5.5 में, ये दो मेरे बेटा आज हमने किए हैं। बेटा किसको मतलब सर आपकी स्क्रीन काली हो गई, आगे काले निशान आ गए। सही है नहीं बेटा स्क्रीन ठीक है, आपको तो मसला आया होगा सर, एक मिनट सर मैं देखता हूं। बेटा ये 5.6 है। यस बेटा ऐसे निशान आपने हैंड रेज किया
सर जी यहाँ से मल्टीप्लाई और डिवाइड हो रहे हैं यहाँ से, एक दफा बताएं सर जी पहले डिवाइड करेंगे। बेटा आपकी मर्जी है, बेशक पहले आप मल्टीप्लाई कर लें, बेशक पहले डिवाइड कर लें। तो इन्होंने पहले जो ना डिवाइड किया, उसके बाद फिर इन्होंने ना मल्टीप्लाई किया है, ठीक है। तो आपकी बेटा मर्जी है, जो मर्जी आप पहले कर लें। ओके एक मिनट आप होल्ड करें, मैं दूसरा लिंक आपको साथ शेयर करता हूँ, एक मिनट आप होल्ड करें। हमारे पास और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी बेटा दिया हमारे पास 6.67 इनवर्स -11, ठीक है। अब बेटा फार्मूला क्या होता है मास ऑफ द अर्थ का, जी आर का स्क्वायर डिवाइडेड बाय कैपिटल जी। बेटा जी की वैल्यू 4 दी है हमारे पास, जी की वैल्यू 4 है, आर बेटा 1.07 है, दोनों बेटा आर का दोनों वैल्यू है, तो होल स्क्वायर किया डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ कैपिटल जी की है। बेटा ऊपर ऊपर हमने इसका स्क्वायर किया, आपने करना है। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।